ब्रेक के बाद घूमता हुआ आईना में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत में जब नोट गिने जा रहे थे तो अमेरिका में वोट, यह जुमला सोशल नेटवर्किंग साइट पर खूब चला। वोटों की गिनती में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप कई तरह के विवादों में पड़े। स्त्रियों को लेकर अशोभनीय बातें, अश्वेतों, लैटिन अमेरिकियों, अप्रवासियों, मुस्लिमों को लेकर उनके संकुचित विचार सामने आए, लेकिन उनका कुख्यात होना ही मानो उनकी सफलता का ट्रंप कार्ड बन गया। अच्छे दिन आने वाले हैं कि तर्ज पर उन्होंने अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाने का सपना दिखाया। अब की बार ट्रंप सरकार भी कहा, लेकिन जीत के बाद उनकी राह बहुत आसान नहीं है, यह उनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में नजर आ रहा है। दुनिया को हैरान और भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए बुधवार को 70 साल के अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होगी। इसमें सफलता मिलने के बाद वह 20 जनवरी को शपथ लेंगे और उस कुर्सी पर आसीन होंगे जिस पर बैठने वाला शख्स दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। चुनाव अभियान के विपरीत सबका दिल जीतने की कोशिश करते हुए उन्होंने खुद को सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति बताया है। देश हित को सबसे ऊपर रखने और शांति से दुनिया के साथ काम करने का उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन जीत के साथ ही अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध का सिलसिला चालू हो गया है। ट्रंप मेरे राष्ट्रपति नहीं हैं के नारे लग रहे हैं। इससे पहले लोगों ने आप्रवासन, समलैंगिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए थे। ओरेगन और पोर्टलैंड में हिंसक प्रदर्शन हुए। पोर्टलैंड में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और वाहनों के शीशे तोड़ दिए। फिलाडेल्फिया में प्रदर्शनकारी बैनर और प्ले कार्ड लिए हुए थे जिसमें ट्रंप हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं और अमेरिका को सभी के लिए सुरक्षित बनाओ जैसे नारे लिखे हुए थे। बाल्टीमोर में 600 लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से शहर में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर युवा शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जातीय और लिंग भेद बढ़ने की आशंका है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को पेशेवर प्रदर्शनकारी करार दिया है और कहा है कि मीडिया ने उन्हें बरगलाया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह देखकर अच्छा लगा कि प्रदर्शनकारियों में इस महान देश के लिए जज्बा है। लोकतंत्र की पहचान ही विरोध के लिए स्थान से है। तानाशाही में ऐसा नहीं होता। अभी लोगों ने बहुमत से ट्रंप को चुना है तो उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन लोगों का विरोध, आशंकाएं, जिन बातों को लेकर है, उनका समाधान ट्रंप को निकालना ही होगा। अगर वे सचमुच अमरीकी लोकतंत्र की महानता दिखाना चाहते हैं तो विरोधियों के दमन की जगह उन्हें साथ लाने की चुनौती उठानी पड़ेगी। ट्रंप विरोधी कहीं ये कहने पर मजबूर न हो जाएं कि जब्त करता हूं तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूं तो सयाद खफा होता है।